नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकार ने जो सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा का प्रावधान लाया है। यहाँ पर सरकार ने कहा है कि वह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएगी और यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। आखिर इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा और भारत में होने वाली परीक्षा कैसे इसके थ्रू परिवर्तित हो जाएंगी और विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ होगा, साथ ही हम ये जानेंगे क्या भारत में ऐसा कोई और परीक्षा का प्रावधान है या हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करते हैं डिटेल में और आपके जो जो कन्फ्यूज़न है उन सब कन्फ्यूज़न को यहाँ पर दूर करते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल भारत में एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा 20 अन्य केंद्रीय भर्तियां भी होती हैं और वह सभी अलग अलग स्क्रीनिंग परीक्षाएं, उसके बाद टीयर 2, टीयर 3 के एग्जामिनेशन लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ रही थी, खासकर उन बच्चों को जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं और जिन छात्रों के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता, वो हर एग्जामिनेशन की फ़ीस नहीं भर पाते हैं। सरकार इन सभी समस्याओं को सुन रही थी और समझ रही थी, इसीलिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है और इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर फिलहाल एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को जोड़ा गया है और इन तीनों एग्जामिनेशन का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हर एग्जामिनेशन में पहले टीयर 1 होता है जो कि स्क्रीनिंग होता है, वहाँ पर जो बच्चे पास होते हैं वह टीयर 2 में जाते हैं। अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि इन तीनों एग्जामिनेशन के टीयर 1 को कॉमन कर दिया गया है। तो कॉमन करने का फायदा क्या होगा कि आपको एक ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा टीयर 1 के लिए। उसके बाद अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं और वहां पर आप स्कोर करते हैं तो फिर आप एसएससी के टीयर 2, रेलवे के टीयर 2 और आईबीपीएस के टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और देन जो उनकी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जो आगे है वो फर्दर कंटिन्यू होती रहेगी। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में ला के रख दिया गया है। तो कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने का फ़ायदा छात्रों को क्या क्या मिलेगा, चलिए इसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा मिलने वाला है वो है गरीब छात्रों को, क्योंकि हर स्क्रीनिंग के लिए उनको फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे रेलवे का फॉर्म 500 रुपये का होता है, आईबीपीएस का फॉर्म भी 500-1000 रुपये का होता है, इस तरीके से एसएससी के फॉर्म का भी 150-200 रुपये लग जाता है। तो छात्रों को हर बार नया फी भरना पड़ता था और गरीब छात्र इससे ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो उनको अब यहाँ पर क्या करना है कि स्क्रीनिंग सबका एक कॉमन होगा तो उन्हें एक कॉमन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे उनके पैसे की बचत होगी। दूसरा जो फायदा मिलेगा वो महिलाओं और दिव्यांग जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें एक प्रावधान रखा गया है, वो ये है कि हर जिले में परीक्षा होगी। तो हर जिले में परीक्षा होने का फायदा क्या है, आप केंद्र स्वयं चुनेंगे, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र का आप केंद्र चुनेंगे और फिर उसी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर जाके आप परीक्षा देंगे, जिससे महिलाओं जिनकी सुरक्षा कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बाकी जिलों में जाकर जब एग्ज़ाम देते हैं अपने पैतृक निवास को छोड़कर वो कहीं और कहीं पेपर देने, तो सुरक्षा की चिंता उनके साथ रहती है। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहूलियत नहीं हो पाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चेंज किया गया है कि आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहीं पर आप रह के एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा चेंज यहाँ पर किया गया है। तो आपको एग्ज़ामिनेशन देने के लिए बाहर या दूर नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, एजेंसियों पर बोझ घटेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, फिलहाल उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए और अभी भी उसकी परीक्षा कब होनी है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि फिलहाल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन कराएगा इसके विषय में कोई भी बात अभी सामने उभर के नहीं आई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एसएससी को अपना एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, रेलवे को अपना एग्जामिनेशन कराना पड़ता है और आईबीपीएस को अपना एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अब जब स्क्रीनिंग की प्रोसेस एक साथ हो जाएगी तो वह काम करना आसान हो जाएगा और एजेंसियाँ जिनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है वो बोझ उनके ऊपर हल्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि साल भर में केंद्र लगभग 1.25 लाख पोस्ट निकालता है और उसमें 3-4 करोड़ बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं, तो इतने बड़े मास का एग्जामिनेशन करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं और बहुत ही अच्छा चेंज है ये। अब चौथा पॉइंट है केंद्रों का विकल्प।
अभी तक विद्यार्थी को केंद्रों के विकल्प देने की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं थी और कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर केंद्र नहीं बन पाते थे। सरकार अब ऐसा प्रावधान कर रही है कि वह यहां पर अपने क्षेत्र में ही केंद्र बनाएगी और वहां पर जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और छात्रों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है, वो चेंज ये किया गया है कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षाएं होंगी। आठवीं अनुसूची जो हमारी भाषाओं से संबंधित है, वहाँ से 12 भाषाओं को चुना गया है और उनके आधार पर परीक्षा लिया जाएगा। और सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में कई और क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होने वाला है जो छात्र क्षेत्रीय भाषा में तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदी और इंग्लिश को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चेंज यहाँ पर किया गया है। फिलहाल सरकार ने यही कहा है कि SSC, रेलवे और बैंकिंग को इसमें जोड़ा गया है। आने वाले समय में कई और एजेंसियों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, जिससे एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। क्या भारत में पहले भी ऐसे एग्जामिनेशन जो कॉमन एंट्रेंस में होते रहे हैं वो होते थे? तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इंजीनियरिंग का। वहाँ पर एग्जामिनेशन होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसे हम गेट कहते हैं सामान्य तौर पर। 2010 में जब मैं बीटेक पास आउट हुआ था, तो उस साल क्या होता था कि जितनी भी PSUs थी वो अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी। सबके फॉर्म 500-1000 रुपये हुआ करते थे और अगर 10 या 12 PSUs थे तो आप सोचिए कितना पैसा खर्चा होता है। कई बार ऐसा होता था कि एक PSU का एग्ज़ाम दूसरे से क्लैश कर जाता था, तो हम लोगों को चूज़ करना पड़ता था कि आखिर कौन सा एग्जामिनेशन हमें देना है। तो वहाँ पर फिर क्या किया गया कि गेट के अंदर कई सारे PSUs ने अपने आप को एनरोल किया और कहा कि अब हम गेट में पास आउट होने वाले बच्चों का ही इंटरव्यू लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को एक ही पेपर देना पड़ा गेट, और उस गेट के आधार पर वो जैसे NTPC हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, BARC हो गया, इन सब में वो सेलेक्ट हो जाते थे फॉर इंटरव्यू। तो यही यहाँ पर भी किया जा रहा है कि जब आप जो कॉमन टेस्ट होगा उसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप सीधे Tier 2 और Tier 3 जो भी SSC, रेलवे या बैंकिंग एग्जामिनेशन होना है उसके लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म होने से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को कि इसकी जो वैलिडिटी होगी स्कोर कार्ड की वो 3 साल होगी। गेट में भी ऐसी होता है, वहाँ पर 2 साल की वैलिडिटी होती है, तो यहाँ पर भी 3 साल वैलिडिटी रखा गया है। अगर आप अपने स्कोर से खुश नहीं हैं, आपका स्कोर कम है, तो आप दोबारा भी पेपर दे सकते हैं। और सरकार ने यहाँ कहा है कि साल में वह 2 बार इस परीक्षा का आयोजन करवाएगी, जिससे आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर करने के। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया और पहले टेस्ट में आपका नंबर अच्छा नहीं है, बट यू हैव अ स्कोर कार्ड, आपके पास स्कोर कार्ड आ गया बट नंबर अच्छा नहीं है, तो आप सेकेंड अटैम्प्ट दीजिए। और कब तक दे सकते हैं? जब तक कि आप अपर एज लिमिट तक नहीं पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जिन कैटेगरी वाले बच्चों को अपर एज लिमिट में छूट मिली है, वो छूट भी यहाँ पर एप्लीकेबल पूरे तरीके से होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं और इससे बच्चों को फायदा होगा, उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और उनके ऊपर जो ये प्रेशर एग्जामिनेशन का और नौकरी का बनता जा रहा है वो प्रेशर उनके ऊपर काफ़ी कम हो जाएगा और उनका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से होगा। तो कई सारी बातें यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्लियर करी। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, आपको आंसर मैं वहाँ पे दे दूंगा। और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पर आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप वहाँ पर मुझसे जानकारी पा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फेसबुक पर बेसिस की पाठशाला पर जाकर आप वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और साथ ही अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बात मत कीजिए, गाते रहिए।